खबर शामिल करते हैं लैया से, जहां शहरी और देहाती इलाकों में आवारा कुत्तों का राज है। इंसानों और जानवरों को काटने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और तलबा और तालबात खौफजदा हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से आवारा कुत्तों के सदे बाप का मुतालबा किया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली आवान से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लैया में। लैया के गली कूचू चौराहों, यहाँ तक के पार्कों और सरकारी दफातर हों या चाहे सरकारी स्कूल हों, जहाँ तक के कब्रिस्तानों को भी कुत्तों ने आमाजगाह बना लिया है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख्वातीन हैं या नौजवान हैं, वो काफ़ी हद तक खौफजदा हैं। पार्कों के अंदर आप देख सकते हैं कि कुत्ते मौजूद हैं, कब्रिस्तानों के अंदर कुत्तों के घाल मुंडलाते नज़र आपको आएंगे, यहाँ तक कि मसरूफ़ गुजर गाहों पे भी कुत्तों के घाल आपको मुंडलाते नज़र आएंगे, जिसकी वजह से मुतअद्दिद वाकियात भी रूनुमा हो चुके हैं। कई बार कुत्तों ने भेड़ों के रेवड़ों के ऊपर हमला करके भेड़ों को चीर फाड़ डाला, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में कब्रों को खोद कर कुत्तों ने कब्रों की बेहुरमती की और काफ़ी हद तक जो कब्रें हैं उन्हें खोद दिया गया था। इसके बावजूद भी ना तो म्यूनिसिपल कमेटी का अमला इस पे अमल करता दिखाई दे रहा है और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस पे कोई तवज्जो दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कुत्तों की तलफी के हवाले से किसी मुहिम का आगाज़ करे, ताकि जो शहरी हैं या देही इलाके के लोग हैं वो इस खौफ से बच सकें और आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। खूबसूरती के लिए बनाए गए जो पार्क्स हैं या चौक्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिक प्लेस हैं, तो उनकी जो रौनक है वो दोबारा से दोबाला हो सके, ताकि लोग आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया से गुजारिश है कि वो किसी ऐसी मुहिम का आगाज़ करे जिससे कुत्तों की तलफी मुमकिन हो सके। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।